बाल होने वाले हैं और मैं आई हूँ हबीब, ये है अयूब का चौराहा, क्योंकि उन्होंने हमें प्रोडक्ट भी नहीं दिखाया था क्या करना है क्या नहीं। प्रोडक्ट देखो ऐसा है, मैं सो जाता हूँ। और मैं यहाँ आती हूँ, अगर आप लोगों को कराना हो तो अयूब का चौराहा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो आज मैं अपना हेयर ट्रीटमेंट कराने जा रही हूं, यानी कि मैं रिबॉन्डिंग कराने जा रही हूं। हेयर रिबॉन्डिंग, ये मेरे रिबॉन्डिंग फर्स्ट टाइम है, तो देखते हैं अंदर हमें क्या सजेस्ट करते हैं। मैं अयूब का चौराहा बरेली पे पहुंच गई हूँ, यहाँ जावेद हबीब है, वहां मैं बहुत लंबे टाइम से कटिंग वगैरह मैं वहीं कराती हूँ, तो अच्छे रिजल्ट मुझे वहां पर मिलते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि रिबॉन्डिंग भी यहीं पर कराई जाए। तो अंदर पहुंच गए हैं जावेद हबीब अयूब का चौराहा पे और अंदर जाके हम बात करने वाले हैं, देखिए क्या कहते हैं बालों को। बहुत रफ या लोग रहे हैं। ओके, तो हम चलिए अंदर। फाइनली फाइनली ब्लॉग, यहाँ फाइनली हम आ गए हैं हबीब के। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे हाल क्या हो रखा है बालों का, और झाड़ू हो रखे हैं, बहुत रफ हेयर हो गए। तो स्ट्रेटनर ज़्यादा यूज़ मत करिए, नहीं तो मेरी तरह हाल हो जाएगा। रफ हेयर हाथ लगाने का भी मन नहीं करता है लिटरली। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखना, मैं इसमें बताने वाली हूँ आप लोगों को अपने बालों में हेयर रिबॉन्डिंग कराना चाहिए या फिर स्मूथनिंग कराना चाहिए, जो कि आपके बालों के लिए अच्छा रहेगा, क्या रहेगा, क्या हार्मफुल रहेगा और क्या यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो आगे वीडियो में बने रहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं टाइम हो गया मैम, बहुत लंबा टाइम हो गया। हाँ नहीं नहीं, उससे भी बहुत, क्योंकि मैंने पता है क्या, मैंने कराया था वो रिबॉन्डिंग कराया था आपके यहीं से कराया था, लेकिन उसको लंबा टाइम हो गया, 2016 की बात है। ठीक है, अभी रुकिए, पहले सुनिए। कुछ नहीं करूंगा, नहीं सुनिए आप पहले बात। तो उन्होंने यहाँ पर रेफर मेरे को वहाँ करा मैट्रिक्स में, ठीक है, यहीं के था मैट्रिक्स में मैं गई। नहीं, दीदी पुरम वाला नहीं, यहाँ क्या कहते हैं इसको, आदमी जो है इधर वाले में, वो पे मैट्रिक्स। हाँ, तो वहां मैं गई, यहीं के ही बंदे थे जो भी थे, स्टाफ की भी। हाँ, उन्होंने हमें प्रोडक्ट वगैरह दिखाया नहीं, फर्स्ट टाइम था मेरा, कोई भी मुझे इमरजेंसी मुंबई भी जाना था, तो उन्होंने पता नहीं क्या किया ऐसा कि मतलब 2 दिन नहीं टिकी, जैसे मैं मुंबई गई नीचे से टर्न होना शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने हमें प्रोडक्ट भी नहीं दिखाया था क्या करना है क्या नहीं। प्रोडक्ट देखो ऐसा है, मैं शो ज्यादा नहीं करते, बट अगर नहीं शो नहीं करते, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए एटलीस्ट हमारे बालों में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अभी आप, तो हम तो यही इसी वाले उसमें कराती हूँ, मैं अभी भी दूर से आ रही हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ का ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ का क्या है ना, स्टाफ पुराने है ना, तो इसलिए थोड़ा। हाँ, और सैम ही वो एक और थे पुराने स्टाफ में। हाँ, एक और थे, तो ऐसे तो नहीं होता है, चेंज कहाँ होते रहते हैं स्टाफ तो। मैं थोड़ा करा था। ओके, तो बताइए, ये टच कर दूँ? क्या टच करूँ? अच्छा टच, मैं कट नहीं करूँगा, बस थोड़ा कॉटेड दे दें। मेरे को सजेस्ट किया था ना ये बंदे, नहीं यहीं के, वो रामपुर में है। ये कॉटेड जो आपने मेहंदी लगाई है, अब की नहीं है, बहुत टाइम हो गया, वो मेहंदी तो निकल तो मेरी हेयर वॉश हो गए हैं, और हेयर वॉश सबसे पहले होते हैं यहाँ पर। आप आएंगे, आप घर से भी वॉश करके आ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप यहाँ आके ही कराएं, क्योंकि रास्ते में हमारी धूल मिट्टी हो जाएगी और इससे अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाएंगे ना। तो अच्छे रिजल्ट चाहिए तो यहीं पे वॉश कराइए। तो मेरा ड्राई हो गए हैं बाल, अब हमारा होने वाला है यहाँ पर क्या, हेयर ड्रायर गाइज। और भैया बोल रहे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी जो है लेंथ काफ़ी है हेयर की, तो चलो वेट करते हैं तब तक हम, और आप लोग सुनिए म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक।
फ्रेंड्स ऑलमोस्ट मेरे जो बाल हैं वो ड्राई हो चुके हैं और उसके बाद ये क्या करने वाले हैं ये देखिए। इन्होंने ये क्रीम लगाई थी, मैं वीडियो नहीं बना पाई उस टाइम, बहुत थोड़े थोड़े बाल लेके इन्होंने क्रीम लगाई थी, ये बहुत मज़ा आ रहा था और मुझे आ गई थी नींद बहुत गहरी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी और बहुत मज़ा आ रहा है। इसको हम छोड़ देंगे आधे घंटे या एक घंटे के लिए, इसको ऐसे ही, तब तक आप लोग इंजॉय करिए। आप लोग कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं, मैंने भी यही किया था और पीछे काम चल रहा था तो मैं वो भी देख रही थी, मज़ा आ रहा था मुझे और यहाँ पे मैं गुनगुना भी रही थी गाने। तो आप लोग थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी भी आपको मिलेगी यहाँ पे जैसे कि मुझे मिली थी। उसके बाद ये सेकंड सीरीज शुरू हो गई है, वॉश कर देते हैं उसको, फिर ड्राई करते हैं और उसके बाद ये देखिए स्ट्रेटनर से ये हल्के हल्के बाल लेके, यानी कि बहुत कम कम क्वान्टिटी में बाल लेके ये स्ट्रेट करते हैं। गाइज ये तो मैं बताना भूल ही गई कि मैंने क्या चूज़ किया था, रिबॉन्डिंग या हेयर स्मूथनिंग। तो मैंने चूज़ किया था हेयर स्मूथनिंग, इसमें जो है स्ट्रेटर जो है वो स्टीम वाला यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके। आप लोगों को अगर कुछ भी कराना है बालों में हेयर रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग, तो आप स्मूथनिंग की तरफ जा सकते हैं। अब जब बाल फुली स्ट्रेट कर देते हैं ये, फिर उसके बाद ये क्रीम लगाई जाती है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से इसकी मसाज होती है और उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि अब मेरे बालों में ये लग गई है पूरी, अप्लाई कर दी है इन्होंने और इसको छोड़ दिया है आधे घंटे या पौन घंटे के लिए, फिर उसको वॉश कर देंगे और रिजल्ट देखना आप कैसा रहा। हाय गाइस, तो फाइनली लुक मेरा हो गया है चीज, देखिए मैं यहाँ आई थी क्या थी और क्या बना दिया है। ये है शाहिल जी जिन्होंने हमें ये रोक दिया है बाल, तो हेयर स्मूथनिंग तो हो गई है और ये है मेरे साथ साहिल जिन्होंने मेरी हेयर स्मूथनिंग की है, बहुत अच्छी की है। लेकिन मेरे फेस पे बीच की मांग नहीं अच्छी लगती है तो आपको यह अंदाजा नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं तिरछी मांग नहीं कर सकती एक हफ्ते तक, और दो दिन के बाद मुझे आना भी है यहाँ पर स्पा के लिए। अगर आपको यहाँ आना है तो आप साहिल जी से कॉन्टेक्ट यहाँ आके कर सकते हैं, अच्छे से आपको कंसेशन भी मिलेगा। और अगर मेरे नाम से ना जान पाए तो ये वीडियो दिखा देना या फिर इनको मेरा फोटो दिखा देना तो ये पहचान जाएंगे। और अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और दुआओं में याद रखना। गाइस मेरा तो माशाल्लाह मन खुश हो गया, तो मिलते हैं फिर आगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।